समय तुरंत आपके पास आ रही हूं, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम दे दें। सुशांत सिंह राजपूत के घर पर पुलिस की तफ्तीश, जांच शुरू हो चुकी है। जांच के बाद पुलिस कुछ सामान लेकर उनके घर से निकली है। ये बड़ी जानकारी मुंबई के बांद्रा स्थित जो उनका निवास स्थान जहां पर उनका फ्लैट है वहां से सामने आ रही है कि पुलिस उनके घर से कुछ सामान को लेकर निकली है। अब वो सामान किस तरह के हैं, क्या वो फाइल्स हैं, जो डिप्रेशन के पेपर्स कहे जा रहे हैं, जो डॉक्टर्स से वो कंसल्ट कर रहे थे, क्या उस स्लिप को लेकर पुलिस निकली है। जैसे हमारे संवाददाता जुड़ते हैं उनसे हम इस बारे में और ज्यादा जानकारी लेंगे। सुशांत के मामा की ओर से ये कहा गया है कि सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड नहीं कर सकता, न्यायिक जांच की मांग उनकी ओर से की गई है। तो परिवार का ये एक पक्ष सामने आया है क्योंकि उनके पिता के सिंह इस वक्त पूरी तरह से स्तब्ध हैं, बिल्कुल चुप हैं, वो कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। जैसे ही वो ठीक होते हैं वो बातचीत करते हैं, हम तुरंत उनसे संपर्क करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिरी बार सुशांत से कब उनकी बातचीत हुई थी, किस तरह की बातचीत हुई थी, क्योंकि एक पिता भी इस वक्त स्तब्ध हैं और उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर सुशांत ने इतना बड़ा कदम। ये देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मुंबई के बांद्रा स्थित उनके निवास स्थान से, सुशांत के घर से ये कुछ सामान है जिसको लेकर जाती हुई पुलिस आपको इस टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। अब ये किस तरह के सामान है ये अपने आप में बड़ा सवाल है। जो दोस्त आए हुए थे उनसे पुलिस ने किस तरह की बातचीत की, वो दोस्त कौन कौन से हैं, क्या वो फिल्मी दुनिया से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं या उससे अलहदा दूसरे फील्ड से कुछ लोग हैं, ये कई ऐसे सवाल हैं जिनमें जिनके बारे में और जानकारी जैसे ही आएगी आपसे हम शेयर करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि मुंबई के फ्लैट में फांसी लगाकर खुदकुशी करने के पीछे की बड़ी वजह, बड़ा कारण क्या है। जब इतना अच्छा आपका करियर चल रहा हो उस समय आपने इस तरह का कदम क्यों उठाया। और जैसा कि हमारे साथ जो मनोचिकित्सक मौजूद है उन्होंने कहा है कि 6 महीने से अगर उनका इलाज चल रहा था तो एक वक्त भी कभी भी ऐसा लग सकता है कि अब आपके लिए कुछ बाकी नहीं रहा और आप इस तरह का कदम उठा सकते हो। तो लगातार डॉक्टर्स के टच में आपको रहना चाहिए ताकि वो आपको बता सके कि अब आपको क्या करना है आगे। एक बार फिर से डॉक्टर संदीप वोहरा, आपको मुझे बीच में रोकना पड़ा था, लेकिन फिल्मी दुनिया एक अजीब तरह की भी है, एक बहुत चमक दमक जो सामने आती है और जिसका जिक्र कर रहे थे डॉक्टर कपिल कक्कड़ कि फिल्मी दुनिया का एक स्याह चेहरा ये भी है कि वहां पर इमोशनल बॉन्डिंग बहुत ज्यादा नहीं होती है, लोग एक दूसरे से इस तरह से कनेक्ट नहीं होते हैं। तो क्या ये भी वजह है कि अगर हम परेशान हैं, हम दुखी हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा तो हम किसी को भी फोन नहीं करना चाहते ताकि अपनी बातों को हम शेयर कर सकें, क्या इस तरह की दिक्कत? देखिए ये जी बिल्कुल होती है। देखिए जो सेलिब्रिटी स्टेटस है वो एक डबल एजेड सोर्ड है। एक तरफ तो आपको आपका नाम बहुत बड़ा हो जाता, चारों तरफ फेमस हो जाता है, बट दूसरी तरफ आपको अपनी इमेज के लिए बहुत ध्यान से चलना पड़ता है, आपको बहुत केयरफुल रहना होता है कि अगर जरा सी भी कोई ऐसी बात हुई तो मीडिया में ना आ जाए। और स्पेशली जहां तक डिप्रेशन का सवाल है, अनफॉर्चुनेटली मैं क्या और मेरे साथ बाकी मेरे साइकेट्रिस्ट कितने हम फिल्म स्टार्स या कितने सेलिब्रिटीज को देखते हैं, बट हमें भी ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं उनकी इमेज से कुछ रिलेटेड बात ना हो। तो होता क्या है कि इस चीज को, डिप्रेशन को या साइकेट्रिक ट्रीटमेंट को बहुत ही गलत तरीके से लोग सोचते हैं। आप समझिए कि आज के डेट में डिप्रेशन इतना कॉमन है कि जैसे किसी को ब्लड प्रेशर और डायबिटीज होता है उतना ही कॉमन डिप्रेशन है, और जैसे ही डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की दवाई से आप इसको ठीक कर सकते हैं, ठीक उसी तरीके से डिप्रेशन का भी इलाज पूरी तरह से संभव है। तो जब कोई सेलिब्रिटी बन जाता है तो उसको बहुत ध्यान रखना पड़ता है, ओवर कॉशियस होकर चलना पड़ता है। तो जब ओवर कॉशियस होकर चलते हो तो आपको ये लगता है कि अगर मैंने ये बात किसी को कर दी तो ये ना हो वो बात लीक आउट हो जाए तो कहीं मुझे गलत तरीके से कहीं मेरा प्रोजेक्शन, मेरी इमेज का बिल्कुल नेगेटिव ना हो जाए। अभी मैंने 4 पिक्चरें कर रहा हूं तो ये ना हो कि कहीं इस पिक्चर कोई पिक्चर मेरे हाथ से निकल जाए। प्लस जब आप सक्सेसफुल होते हैं स्पेशली फिल्म इंडस्ट्री में, आप बहुत इनसिक्योर हो जाते हैं कि एक भी पिक्चर, आपने कहा कि जब आप सक्सेसफुल होते हैं तो बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो जाते हैं और वो इनसिक्योरिटी हर बीतते गुजरते दिन के साथ आपको कहीं ना कहीं डराती रहती है। लेकिन सुशांत के साथ चूंकि शक्ति कपूर जी से अब से कुछ देर पहले मैंने बातचीत की, उनका ये कहना है कि उनके करियर में इस तरह की कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि छिछोरे एक ऐसी फिल्म थी और केदारनाथ उनकी आखिरी रिलीज फिल्म, अब सभी फिल्मों में सुशांत को मतलब शायद ही कोई ऐसी फिल्म हो जिसमें उनको उनकी फिल्म जो बहुत फ्लॉप हुई हो ऐसा भी उनके साथ नहीं था। और एक चीज का और मैं जिक्र करना चाहूंगी, आज तक से बातचीत में और इस सवाल के साथ डॉक्टर कपिल में आपका रुख करते हुए उन्होंने जवाब दिया कि अगर आपको सपने देखने का सलीका पता है तो उस सपने को आप पूरा करने का दमखम भी रखते हैं और मैं इसी के जरिए अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाता हूं। जो इस तरह की बातें करता हो शख्स वो खुदकुशी कर ले, ये बात हैरान करती है। चित्रा हमें इस पर देखना पड़ेगा, हमारी लाइफ, आपकी मेरी सबकी लाइफ ना कंपार्टमेंटलाइज है अलग अलग चीजों में। एक करियर हो गया,
एक आपका रिलेशनशिप हो गया, एक आपकी फैमिली हो गई, अब इनमें से कोई भी लाइफ, अब ये आपने जो बात करी बिल्कुल ठीक करी, ये सुशांत ने अपने करियर से रिलेटेड बोला बिकॉज ही वॉज अ सक्सेसफुल पर्सन और एक सक्सेस कॉन्शियस आदमी था तो उसने बोला। तो जहां तक फैमिली की हो गई या उनके रिलेशनशिप की हो गई, हमें नहीं पता कि उनकी रिलेशनशिप में इस टाइम क्या चल रहा है, और इन तीनों में से कोई भी चीज अगर डिरेल हो जाती है उसका इम्पैक्ट लाइफ में हर एक बाकी के कंपार्टमेंट्स में भी होता है। तो जहां तक सुशांत की अगर आप बात करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है इनके इन तीनों में से, चाहे फैमिली हो, रिलेशनशिप हो, करियर, तो हम सबको मालूम है कि करियर इज लाइक एन ओपन बुक, वहां पे इम्पैक्ट नहीं हुआ, पर इसका ये मतलब नहीं है कि करियर क्योंकि बहुत अच्छा चल रहा था इसलिए आदमी डिप्रेशन में नहीं जा सकता या इसलिए आदमी सुसाइड नहीं कर सकता। अगर उसकी कहीं ना कहीं जो लाइफ का दूसरा कमरा है उसके अंदर तकलीफ है, और मैं आपको बता दूं रिलेशनशिप सक्सेस और फेलियर से बहुत ज्यादा लीथल है, ये लोग समझते नहीं है बात। लोगों को लगता है रिलेशनशिप भी तो इशू है, रिलेशनशिप होता है सोल कनेक्शन, रिलेशनशिप होता है इमोशनल कनेक्शन। जब लोग इसके अंदर फंस जाते हैं और उनको बाहर निकालने वाले ज्यादा लोग नहीं होते, वो एक चक्रव्यूह में फंसना शुरू कर देते हैं, और ये लोगों को सक्सेस फेलियर में तो हम बहुत जल्दी आंक लेते हैं, जी देखो वो फेल हो गया तो इसलिए उसने ऐसा कर दिया, ठीक है कर दिया होगा, बट जब हम इस तरह के इमोशनल ट्रॉमा में चलते हैं, जैसे मैंने आपको शुरुआत में भी बताया, और आपके पास वेंट आउट करने का ठीक एक सिनेरियो नहीं क्रिएट होता। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि जब हम किसी भी रिलेशनशिप में होते हैं तो वहां पर एक इमोशनल बाउंडिंग होती है, और वहां पर अगर हम कामयाब नहीं हो पाते हैं तो फिर वो एक अलग तरह की परेशानी की वजह बन जाती है। क्या उसके कारण डिप्रेशन था, डिप्रेशन के पीछे क्या वजह थी, कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के पटना स्थित निवास पर जहां पर उनके पिता की मौजूदगी है, चारों तरफ इस वक्त मातम का माहौल है, वहां पर उनके कुछ रिश्तेदारों से, सुशांत के कुछ रिश्तेदारों से बातचीत की है मेरे सहयोगी सुजीत झा ने, सुनिए। टीवी के माध्यम से पता चला कि मैंने सुशांत सिंह ने खुदकशी कर ली है, फिर हमारा पड़ोसी है, हमारा लड़का है, वो भतीजा है, यही हमको टीवी के माध्यम से पता चला, और तो कुछ वजह नहीं। क्या लगता है, हमको तो लगता है कि बात बिल्कुल उलट जाए, गलत हो जाए, मन विश्वसनीय नहीं लग रहा है। पिछले बार आया था, मंदिर में पूजा करने आया था, बगल में हम लोग के मोहल्ला का एक मंदिर है, उसमें पूजा किया था, बहुत भारी भीड़ थी, बहुत अच्छा था, सबकी मोहल्ला वासियों से बातचीत किया था, सबसे मिलजुल किया था, यहाँ ठहरा भी था, बहुत ही हम लोग को तो सदमा है, बहुत भारी सदमा है ये तो। बिल्कुल, तो सदमा सबको है कि अचानक सुशांत सिंह राजपूत ने ऐसा कदम क्यों उठाया, इतना अच्छा अभिनेता और सबका प्यारा दुलारा, केवल इस मोहल्ले का ही नहीं, पूरे पटना के लोग, पूरे बिहार के लोग यूँ कहें तो काफ़ी शोक संपत्त हैं कि आखिर वजह क्या है, इसके पीछे क्या कारण है कि सुशांत सिंह राजपूत ने इस तरह का कदम उठाया। कैमरामैन नदीम आलम के साथ सुजीत कुमार झा, पटना आज तक। पटना स्थित उनके निवास स्थान राजीव नगर रोड नंबर 6 है, वहां पर उनका निवास स्थान है सुशांत सिंह राजपूत का। उनके पिता इस वक्त बिल्कुल गुमसुम, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो अपनी क्या प्रतिक्रिया दें। एक पिता के भीतर की भावनाएं इस वक्त क्या होंगी उसको शब्दों के जरिए बयां कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, सुशांत सिंह राजपूत का पार्थिव शरीर कूपर अस्पताल लाया गया है, यहाँ पर उनके पार्थिव शरीर का पोस्टमार्टम किया जाएगा, और पोस्टमार्टम के बाद ही पूरी तरह से स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर खुदकुशी कैसे हुई, क्योंकि फांसी लगाकर उन्होंने अपनी जान दी है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं जो निकलकर सामने आएंगी, और वो तमाम सवाल जिसका पूरे देश को इस वक्त इंतजार है, परिवार वाले भी इस बारे में इंतजार कर रहे हैं। कूपर अस्पताल में ही शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद काफी हद तक ये साफ हो पाएगा कि आखिर उनकी मौत कैसे हुई है, क्योंकि एक संदिग्ध मृत्यु उनकी है।
कमरे के अंदर दरवाजा काफी देर तक बंद था। जब उनके घर में काम करने वाले लोग दरवाजे को कई बार नॉक किए, जब नहीं खुला तो दरवाजे को तोड़ा गया और फिर फांसी से लटकता हुआ शव बरामद हुआ सुशांत सिंह राजपूत का। उन्होंने खुदकुशी कर ली बीती रात अपने दोस्तों के साथ मिलकर, और उन्होंने बहुत सारी बातें की होंगी लेकिन किस तरह की बातचीत थी, इतना बड़ा कदम सुशांत ने क्यों उठाया, कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना भी बाकी है। 21 जनवरी 1986 को बिहार के पटना में उनका जन्म हुआ था, लेकिन बेसिकली पूरा परिवार उनका बिहार के पूर्णिया से ताल्लुक रखता है। इस वक्त पटना स्थित निवास स्थान पर उनके पिता के सिंह की मौजूदगी है। उनकी 4 बहनें थीं, एक बहन की पहले ही मौत हो चुकी थी, 3 बहनें जिनमें से एक मुंबई में सुशांत के साथ ही काफी लंबे वक्त तक रही थी, उनसे भी हम कोशिश करेंगे कि उनसे बातचीत करके हम कम से कम ये जान पाएं, समझ पाएं, क्योंकि सुशांत के जो चाहने वाले हैं, जो फैंस हैं, जो इस वक्त स्तब्ध हैं, किसी को समझ में नहीं आ रहा कि आकर उभरता हुआ इतना बड़ा सितारा इस तरह का कदम कैसे उठा सकता है। हर कोई शॉक्ड है, किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। सुशांत की मौत से स्तब्ध हूं, परिवार के साथ संवेदनाएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन शब्दों के जरिए अपनी बात कही है। सुशांत सिंह राजपूत के मामा ने न्यायिक जांच की मांग की है, उनका ये कहना है कि सुशांत अब सुसाइड नहीं कर सकता। माधुरी दीक्षित ने लिखा है कि सुशांत का इस तरह से जाना बेहद दुखद है। अक्षय कुमार ने भी अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं, उन्होंने कहा है कि काश छिछोरे में जिस तरह की एक्टिंग सुशांत ने की है, काश मुझे भी उसमें कुछ इस तरह के रोल मिल जाते। तो इस तरह से सबने अपनी भावनाएं, सुशांत उनकी एक्टिंग, उनके करियर, एक रोल मॉडल के तौर पर वो निकलकर सामने आए थे, क्योंकि बिहार के पटना से निकलकर कोई शख्स मुंबई में जाकर अगर इतनी बड़ी जगह बनाए, 2008 से उन्होंने अपना करियर शुरू किया और देखिए देखते ही देखते बीते 12 सालों में छोटे पर्दे पर भी उन्होंने एक कमाल की लोकप्रियता हासिल की, और जैसे ही वो बड़े पर्दे पर आए, बड़े पर्दे पर उससे भी ज्यादा लोकप्रिय। सुशांत सिंह का शव फिलहाल अस्पताल लाया गया है, कूपर अस्पताल, जहां पर पार्थिव शरीर जो उनका शव है उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा और उसके बाद ही तस्वीर और ज्यादा साफ हो पाएगी कि आखिर सुशांत की खुदकुशी, उनकी मौत कैसे हुई है। मुस्तफा शेख फोन लाइन पर इस वक्त मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। मुस्तफा, कूपर अस्पताल ले जाया गया है सुशांत सिंह राजपूत का शव और वहां पर पोस्टमार्टम किया जाएगा, कितना वक्त लग सकता है? माइक तो ऑन करो और चिल्ला के पास हम चलेंगे और ज्यादा जानकारी लेने के लिए। कूपर अस्पताल में सुशांत सिंह राजपूत का पार्थिव शरीर इस वक्त पहुंच चुका है, उनके शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा। 34 साल की उम्र में सुशांत सिंह राजपूत ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। खुदकुशी उन्होंने क्यों की, अभी तक ये वजह साफ नहीं हो पाई है। क्या करियर में किसी तरह की दिक्कत थी, पर्सनल लाइफ में परेशानी थी, डिप्रेशन क्यों? पोस्टमार्टम के लिए कूपर हॉस्पिटल लाया गया है, जहां पर ये चीज की जानकारी दी जाएगी कि किस तरह के मार्क्स उनके जिस्म पर है और क्या उनकी मेडिकल कंडीशन थी जब उन्होंने सुसाइड किया। सारी जानकारी के लिए इस वक्त पोस्टमार्टम के लिए कूपर हॉस्पिटल अंधेरी में लाया गया है सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी को। कैमरा पर्सन मंगेश आमरे के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक।